आज बात करेंगे ऐसी मेड इन इंडिया कार के बारे में जिसका डिजाइन एक इंग्लैंड की कार पे बेस था और इस कार की बॉडी स्टील की नहीं बल्कि फाइबर ग्लास मटेरियल से बनी थी। आज बताएंगे एक अनसक्सेसफुल मेड इन इंडिया गाड़ी के बारे में जिसका अंत बहुत ही खराब हुआ। भारत में मैन्युफैक्चर्ड कुछ शुरुआती कार्स में से एक सिपानी बादल सही मायने में एक मेड इन इंडिया कार थी, पर क्योंकि इस कार का डिजाइन सभी चीजों को नजरअंदाज करके बनाया गया था इसलिए भारतीय मार्केट में ये कार 10 साल से ज्यादा नहीं टिक पाई। सिपानी ऑटोमोबाइल्स का गठन सन 1973 में हुआ था और शुरुआती दौर में इस कंपनी का नाम था सनराइज ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 1970 के दशक में जिन तीन कंपनीज को भारत में कार्स मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस भारतीय सरकार से मिला था, सिपानी उन्हीं में से एक थी। भारतीय सरकार के दिए गए इस लाइसेंस के अंतर्गत कोई भी भारतीय कंपनी किसी फॉरेन कंपनी के साथ ना तो कोलैबोरेट कर सकती थी, ना बाहर से कंपोनेंट्स और पार्ट्स इंपोर्ट कर सकती थी और ना ही किसी चीज के लिए कंसल्ट कर सकती थी। शायद उस टाइम की सरकार ने कहीं ना कहीं ट्रूली मेड इन इंडिया ऑटोमोबाइल को ध्यान में रखते हुए ऐसी कुछ शर्तें सामने रखी थी। सिपानी ऑटोमोबाइल्स के ऑफिशियल्स जब इंग्लैंड गए तो वहां उन्हें एक थ्री व्हीलर कार इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने उस कंपनी से इन कार्स को भारत में अपनी टेक्नोलॉजी से बनाने का लाइसेंस ले लिया। ये लाइसेंस एक तरह से केवल डिजाइन के लिए ही लिया गया था। हालांकि भारतीय सरकार की शर्तों के अनुसार उन्होंने इस कार को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए ना तो कोई मदद ली, ना कोलैबोरेट किया और ना ही कोई पार्ट बाहर से इंपोर्ट किया। भारत की पहली थ्री व्हीलर कार सिपानी बादल को जिस इंग्लैंड बेस्ड कार के ऊपर बनाया गया था उस कार का नाम था रॉबिन, जिसे इंग्लैंड की कंपनी रेलैंड मैन्युफैक्चर करती थी और ये कार बाहर के देशों में इतनी फेमस हुई कि इसका 30 सालों तक प्रोडक्शन चलता रहा। खैर, रेलैंड से लाइसेंस मिलने के बाद सिपानी बादल का प्रोडक्शन 1976 में शुरू किया गया और क्योंकि उस टाइम भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के पास टेक्नोलॉजी का बहुत ही लिमिटेड एक्सेस था इसलिए थ्री व्हीलर कार में उस टाइम पे चलने वाले स्कूटर के 200 सीसी के इंजन का इस्तेमाल हुआ और जैसा कि हमने बताया इस कार की बॉडी को फाइबर ग्लास से बनाया गया। 1976 में लॉन्च होने के बाद एक साल में कंपनी इस मॉडल की केवल 150 यूनिट्स ही बेच पाई। हालांकि अगले साल इस कंपनी ने 300 से ज्यादा गाड़ियां बेची। इस गाड़ी के डिजाइन पे ज्यादा ध्यान ना दिए जाने की वजह से इसमें ऐसी खामियां निकली जिसकी वजह से तीसरे साल से गाड़ी की सेल्स में लगातार भारी गिरावट आने लगी। क्योंकि इस कार की बॉडी काफी हल्की थी और इसका भारी इंजन पीछे की तरफ माउंट था इसलिए ढलान पे चढ़ने के टाइम पे इस गाड़ी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और कई बार तो इस गाड़ी का अगला पहिया तक टूट जाता था। प्रॉपर बैलेंसिंग ना होने की वजह से एक गाड़ी भारतीय मार्केट में बहुत बुरे तरीके से पिटी। सिपानी भारतीयों के लिए एक अफोर्डेबल गाड़ी बनाना चाहती थी जो उस टाइम की हिंदुस्तान मोटर्स, प्रीमियर, फिएट और स्टैंडर्ड जैसी कारों को टक्कर दे पाए, पर इस कंपनी ने भारतीय मार्केट में सस्ती कार उतारने के चक्कर में इस कार के डिजाइन में इतनी कॉस्ट कटिंग करी कि लोगों का इस कार पर से विश्वास कम हो गया। इस फोर सीटर कार में केवल तीन ही दरवाजे थे, दो फ्रंट में और एक रियर में, मतलब गाड़ी की लेफ्ट साइड में दो दरवाजे और राइट साइड में केवल एक ही दरवाजा। सिपानी ऑटोमोबाइल्स ने बादल के प्रमोशन के लिए कई सेलिब्रिटीज को भी अप्रोच किया पर बहुत ही खराब क्वालिटी की वजह से इस कार को मार्केट से कोई रिस्पांस नहीं मिला। बादल के फेलियर के बाद इसी गाड़ी का फोर व्हील वर्जन भी लॉन्च हुआ जिसमें इंजन को फ्रंट में माउंट किया गया था और बैलेंसिंग के लिए चार पहिए भी दिए गए थे, पर ये गाड़ी कमर्शियल प्रोडक्शन तक नहीं आ पाई और इस मेड इन इंडिया गाड़ी का दी एंड हो गया। बादल एक सक्सेसफुल गाड़ी हो सकती थी अगर इसमें पैसेंजर्स की सेफ्टी का ध्यान दिया गया होता। बादल और बादल 4 के बाद भी सिपानी ने एक और कार डॉल्फिन के नाम से लॉन्च की थी और सभी पिछली गलतियां इस गाड़ी में भी दोहराई गई। एग्जाम्पल के तौर पे इस गाड़ी में भी फाइबर ग्लास बॉडी दी गई थी जो बहुत ही हल्की और काफी कम ड्यूरेबल थी और बाकी सभी गाड़ियों की तरह ये कार नहीं चल पाई। लगातार गलतियों से सीख ना लेने की वजह से इस कंपनी का ये हाल हुआ और हमको दुख है कि एक भारतीय कंपनी के जन्म से पहले ही उसका अंत हो गया। लाइक के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं और ऐसी एक्सक्लूसिव मेड इन इंडिया कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।